ओके तो है दोस्तों, दिस इज मी एफएम युवराज सिंह टेक्निकल एफएम यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बीट स्टेटस एप्लीकेशन का अनलिमिटेड ट्रिक्स बताऊंगा, साथ साथ आप लोगों को यूएसए अनलिमिटेड ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि आज यूएसए नंबर से आप लोग अनलिमिटेड मनी ऐड कर सकते हैं अपना बीट स्टेटस एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस कैसे जानना है तो हमारा वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे, और गाइस हमारे चैनल पर अभी तक नया तो ये जो लाल सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल जो है ना उस पर दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि फ्रेंड आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस हमारा इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करो तो गाइस क्या करो यार, लाइक करो एंड लाइक बटन तोड़ ही दो, और नीचे कमेंट कर बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट ये जो टाइटल बार देख रही है, टाइटल बार पर टैप करो एंड ये पर जो आपको लिंक मिल जाएगा ऐप लिंक बोलकर, तो गाइज इस लिंक पे और प्रेस करना एंड आप लोगों को लिए प्ले स्टोर पर रिडेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन का आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप जस्ट ओपन करना पड़ेगा एप्लीकेशन का। जब भी ओपन करते हैं ना आपका सामने इस तरह का एक साइनअप प्रोसेस पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे प्रोफाइल वाला सेक्शन देख रहे हैं, इस प्रोफाइल वाला सेक्शन पर आ जाओ। आने के बाद यहाँ पर अपना जो भी पेटीएम नंबर है ना, सिर्फ पेटीएम नंबर ही आपको डालना पड़ेगा। तो मेरा जो पेटीएम नंबर है वो सक्सेसफुली डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरा नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर जो लॉग इन विथ फोन पर देख रहे हैं इस पर टैप कर दें, अपना फोन के अंदर एक ओटीपी भेज देगा। जस्ट ओटीपी को यहाँ पर सक्सेसफुली फ्लैप कर दीजिए। तो जब पर ओटीपी सक्सेसफुली डाल दी, उसके बाद कंटिन्यू बटन पर टैप कर एंड अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड बन जाएगा। उसके बाद अपना साइनअप तौर पे आप लोगों को ₹6 अपना वॉलेट के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं पहले से साइनअप कर चुका हूँ, इसलिए मुझे ₹10 मेरा वॉलेट के अंदर पहले से था। उसके बाद आपको ₹6 मिल जाएगा। तो ₹6 मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वॉलेट सेक्शन देखिए, वॉलेट सेक्शन पर टैप कर दो। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको मेन वॉलेट खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अन कैश रिवॉर्ड, यहाँ पर जो देख रहे हैं 5 मिनट पर ₹20 करके दे रहा है आपको। मैं इसका टाइम एंड कंडीशन बता देता हूँ। आप जब भी यहाँ पर पहले बार साइनअप करोगे ना, लॉगिन करके आपका फ्रेंड, तो आपको ₹2, उसके बाद आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस तरह से आपको पर डे ओपन करके तो आपको मिलता जाएगा। तो ये उसका प्रोसेस। तो मैं आप लोग ₹3 करके पर इनवाइट पर बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक दिन ही तो आपको काम करना है ना, इसलिए। तो जस्ट यहाँ पर अन कैश ना ऑप्शन पर टैप करो, यहाँ पर अपना फ्रेंड को व्हाट्सएप पर किसी भी फ्रेंड को शेयर कर दो। देखो फ्रेंड मैं व्हाट्सएप पर आ चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पर सेंड कर चुका हूँ, मेरे फ्रेंड को यहाँ पर सेंड कर चुका हूँ। सेंड करने में आपको क्या करना है, ये जो लिंक है ना, इस लिंक को आपको जो भी अपना मेन लिंक है इस लिंक को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपना मैसेज बॉक्स के अंदर आ जाओ। तो बस यहाँ पर मैं ये पर सेंड कर चुका हूँ। सेंड करने में आपको क्या करना है, मैं आपको सर को समझा देता हूँ। यहाँ पर अपना जो भी एमआई का फोन है ना, आपको आपका फोन पे एमआई के फोन है तो आप बड़ी आसानी से इस पर अनलिमिटेड ट्रिक्स यूज कर सकते हो। आपका पास और भी मोबाइल है तो आपको ढूंढ लेना पड़ेगा आपका सेकेंड स्पेस कहाँ पर है। तो आपको मेरा भी एमआई का फोन है, इसलिए मेरे को सेकेंड स्पेस इस पर दिख चुका है। तो गाइस यहाँ पर आपको सेकेंड स्पेस ढूंढ लेना, उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर पर सेकेंड स्पेस नहीं है तो आपको यहाँ से अनलिमिटेड ट्रिक्स नहीं होगा, आपको वीडियो छोड़कर जाना पड़ेगा। तो आपका फोन के अंदर सेकेंड स्पेस होता बढ़िया है तो आपको जस्ट सेकेंड स्पेस पर टैप कर दो। टैप करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टर्न विथ सेकेंड स्पेस देख रहे हैं, इस टर्न विथ सेकेंड स्पेस पर टैप कर दो। यहाँ पर अपना जो भी सेकेंड स्पेस है ना वो क्रिएटेड यहाँ पर बन रहा है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा जब तक ये नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर टर्न स्पेस ऑन सेकेंड डिवाइस, तो यहाँ पर जस्ट आपको कंटिन्यू बटन पर टैप करना है। जब भी कंटिन्यू कर लेते हो यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करना, दोबारा कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सेट ना ऑप्शन पर टैप कर दो। जब भी सेट ना ऑप्शन पर टैप कर लेते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बोल रहा है कॉन्फर्म फास्ट स्पेस पासवर्ड। तो आपको जो भी पहले फ़ोन के अंदर पासवर्ड था ना, आप लॉक स्टार्ट करते तो आपको पासवर्ड जो भी मांगता था ना, उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड पहले पासवर्ड था वो मैं यहाँ पर सक्सेसफुली डाल दूँ, तो मेरा ये पासवर्ड ये था। तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर टैप कर देना, नेक्स्ट बटन पर टैप करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपको फिर से दोबारा यहाँ पर आपका सेकंड स्पेस का न्यू एक पासवर्ड देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर न्यू एक पासवर्ड दे लेता हूँ, और देने के बाद यहाँ पर फिर से कंटिन्यू बटन पर टैप करो। कंटिन्यू बटन पर टैप करने के बाद फिर से दोबारा से मांगेगा, फिर से दोबारा से यहाँ पर फिर से डाल दो। डालने के बाद यहाँ पर जो ओके बटन देख रहे हैं, ओके बटन पर टैप करो एंड अपना सक्सेसफुली न्यू डिवाइस बन जाएगा अपना फ़ोन के अंदर। इसी से आप अनलिमिटेड ट्रिक्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट स्किप बटन पर टैप कर दो। टैप करने के बाद आपको हो गया काम। तो भाई लोग आप बोल सकते हो कि भाई मैं व्हाट्सएप पर मेरे फ्रेंड को शेयर करूंगा मेरा जो लिंक है, तो गाइस आपको व्हाट्सएप पर नहीं सेंड करना, क्योंकि आपको व्हाट्सएप पर यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं देखेगा, इसलिए आपको मैसेज बॉक्स के अंदर ही शेयर करना होगा, नहीं तो आपका कोई भी रेफर काउंट नहीं होगा, आपको मैसेज बॉक्स के अंदर ही सेंड कर देना है। तो गाइस देख सकते हो मेरे यहाँ पर न्यू डिवाइस यहाँ पर एक क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो प्ले स्टोर को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू एक जीमेल आईडी से, यहाँ पर जो साइन इन बटन दिख रहा है ना, साइन इन बटन, इस पर न्यू एक जीमेल आईडी से यहाँ पर आपको न्यू एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक न्यू जीमेल अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लेता हूँ।
तो गाइस यहाँ पर जो क्रिएट ए न्यू अकाउंट दिख रही है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर टैप करो एंड फॉर माई सेल्फ पर टैप करो एंड यहाँ पर आपको कैसे जीमेल अकाउंट बनाते हैं आप लोग जानते होंगे, उस तरह से आप यहाँ पर एक सक्सेसफुली जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मैं भी एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मेरे यहाँ पर न्यू एक जीमेल अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी वेट करना पड़ेगा। देखो बस यहाँ पर मेरा प्ले स्टोर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक कर लेना। बैक करने के बाद आपको क्या करना, अपना मैसेज के अंदर, मैंने पहले बोला था आपको मैसेज के अंदर ही सेट करना है, नहीं तो आपका रेफर काउंट नहीं होगा। इसलिए बोला था कि मैसेज पर ही रेफर लिंक मिलेगा तो आपको व्हाट्सएप यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आपको मैसेज के अंदर आ जाना है, जो भी फ्रेंड को शेयर किया ना उस फ्रेंड का नंबर यहाँ पर ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी अपना लिंक था ना उस लिंक के ऊपर प्रेस करके यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर प्ले स्टोर पर आप लोगों को रिडायरेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लिंक के ऊपर प्रेस कर लेता हूँ, प्रेस करने में थोड़ी देर बाद मुझे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर लिंक अपना ओपन नहीं होगा, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर जस्ट कॉपी कर लेना अपना लिंक को। लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो ब्राउजर देख रहे हैं इस ब्राउजर के अंदर आ जाना, एमआई का ब्राउजर अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको जस्ट सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सर्च कर लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट अभी कर देगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैं फिर से ब्राउज़र पर टैप कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पर रिडायरेक्ट सक्सेसफुली बन जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हो मुझे प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर आपको जस्ट टैप कर देना पड़ेगा। जब भी इंस्टॉल बटन पर टैप करते हैं अपना इंस्टॉल सक्सेसफुली बन जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मेन डिवाइस पर तो वीडियोटेस एप्लीकेशन था, इसलिए आपको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ओपन पर टैप करो। ओपन पर टैप करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी एक एप्लीकेशन आपको जरूरत पड़ेगी। क्या एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूँ, एप्लीकेशन का नाम है 2ND Line, को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन की भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन की डाउनलोड कर लेता हूँ। टेक्स्ट नाउ पर प्रेस करके सर्च कर लिया, उसके बाद इंस्टॉल बटन पर टैप करके सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर भी। तो मेरा यहाँ पर इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद ओपन करके बाद यहाँ पर आपको न्यू एक जीमेल आईडी से यहाँ पर साइनअप कैसे करते हैं आप लोग जानते होंगे। न्यू एक फेक जीमेल आईडी देकर यहाँ पर साइनअप कर लीजिए। मैं भी एक साइनअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर न्यू जीमेल आईडी देख चुका हूँ, उसके बाद क्रिएट पर टैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई मांगेगा, यहाँ पर वेरीफाई टैप करना, वेरीफाई आपको सक्सेसफुली बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैप्चर भी आ सकता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट बोल रहा है, यहाँ पर किस किस जगह पर ट्रैफिक लाइट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई टैप करना, आपको वेरीफाई हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट नॉट नाउ पर टैप करिए, यहाँ पर स्पिक कर लीजिए। स्पिक करने के बाद यहाँ पर डू नॉट यूज लोकेशन टैप करिए, स्किप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 425 डाल दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपका कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए, उसके बाद अपना सक्सेसफुली अकाउंट बन जाएगा। बनने के बाद आपको क्या करना है, इस नंबर को जस्ट कॉपी कर लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको 3 डॉट पर टैप कर देना। 3 डॉट पर टैप करने के बाद यहाँ पर जो नंबर है ना, इस नंबर को प्रेस कर दो, आपका कॉपी यहाँ पर हो जाएगा। होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वी स्टेटस एप्लीकेशन को ओपन करना। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर साइनअप करने से पहले आप लोग एक मेरा मेन अकाउंट फिर से आपको दोबारा से चेक करा देता हूँ। तो जैसे आपको क्या करना है, मेन आपको डिवाइस ओपन करने के लिए आपको जो स्विच ऑप्शन दिख रहा है ना, इस एप्लीकेशन का स्विच, यहाँ पर स्विच बटन पर टैप कर रहे अपना मेन डिवाइस ओपन होने के लिए। तो यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद फिर से दोबारा से क्लिक करिए एंड इंटर पासवर्ड पर टैप करें। यहाँ पर अपना जो भी मेन पासवर्ड था ना, मेन फर्स्ट डिवाइस का जो भी पासवर्ड देकर ओपन कर देते, उसको पासवर्ड को डाल देना, यहाँ पर नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अपना मेन डिवाइस सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर चले जाते मेरा वी डिजिटल एप्लीकेशन की तरफ। तो उसके बाद आपको मेन अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा बैलेंस देखते हो, यहाँ पर मेरा 10 रुपीज़ ही है अभी भी। तो उस पर आपको मिडिल से कट देना। कटने के बाद यहाँ पर फिर से आपको सेटिंग पर चले जाना, अपना सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद फिर से सेकंड स्पेस को जाना। सेकंड स्पेस पर जाने के बाद फिर से यहाँ पर सेकंड स्पेस पर टैप करो एंड गो टू, यहाँ पर सेकंड स्पेस देख रहा है, सेकंड स्पेस पर टैप करो। यहाँ पर अपना जो भी सेकंड स्पेस पर पासवर्ड दे देना, उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर बटन पर टैप करें, यहाँ पर अपना वो जो न्यू डिवाइस था वो ओपन हो जाएगा। ले ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर अपना जो भी नंबर था ना उसको कॉपी कर लिया। उसके बाद वी डिजिटल एप्लीकेशन को ओपन करना। तो फ्रेंड मेरा नंबर को यहाँ पर दोबारा से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कट कर देता हूँ। उसके बाद वी डिजिटल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको USA जो +1 है ना, उसको USA आपको सिलेक्ट करना। तो आपको क्या करना है, इस पर 91 +91 बटन पर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको USA दिख जाएगा। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट दिख रहे हैं, इस पर टैप कर दो एंड अपना जो भी नंबर कॉपी किया था ना, इसको यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन विथ फोन पर टैप कर दो। टैप करने के बाद अपना फ़ोन के अंदर एक OTP चला जाएगा। उस जो टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उस नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर से 57 देना पड़ेगा। 57 आने के बाद यहाँ पर जो भी OTP है ना, उस OTP को यहाँ पर फ्लैप कर दो।
फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो कंटिन्यू बटन देख रहे हैं, इस कंटिन्यू बटन पर टैप करें, यहाँ पर अपना अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वेरीफाइड सक्सेसफुली मेरा भी बन जाएगा। बनने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको समझा दिया। यहाँ पर वॉलेट के अंदर आप लोगों को 6 रुपीज साइन अप तौर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेस हो चुका, इसके बाद प्रोफाइल आइकन पर चले जाना, यहाँ पर आप लोगों को 6 रुपीज दिखा जाएगा। आपको इस 6 रुपीज का कोई भी काम का नहीं है। तो यहाँ पर लैंग्वेज पूछा जा रहा है, इस पर आदर्श पर सिलेक्ट कर दिया, देख सकते हैं मुझे 6 रुपीज मिल चुका। 6 रुपीज मिलने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर होम के बटन पर चले आना। होम के बटन पर आने के बाद यहाँ पर आपको जस्ट एक वीडियो आपको प्ले कर लेना पड़ेगा। कोई भी एक वीडियो आप लोग यहाँ से देख लो, थोड़ा सा एक वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद यहाँ पर बैक कर दो। बैक करने के बाद फिर से यहाँ पर जो स्विच ऑप्शन था ना, इस स्विच ऑप्शन पर फिर से टैप कर दो, क्योंकि आपको मेन डिवाइस फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से यहाँ पर स्विच बटन पर टैप किया, फिर से आपको इंटर पासवर्ड पर टैप कर देना। अपना मेन जो पासवर्ड था ना उसको यहाँ पर फिर से दोबारा से डाल देना, डाल नेक्स्ट कर दो, यहाँ पर अपना डिवाइस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन है ना, उसको जस्ट मेरा मेन अकाउंट को ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अगर ओपन हो चुका, उसके बाद यहाँ पर जो प्रोफाइल आइकन दिख रहा है, प्रोफाइल आइकन पर चलिए। उसके बाद अपना अकाउंट का, तो गाइस देख सकते हो, बूम गाइस मेरे अकाउंट के अंदर 13 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर 10 रुपीज़ था पहले, यहाँ पर मेरा 13 रुपीज़ हो चुका है। उसके बाद आपको हिस्ट्री पर भी दिखा देते हो। उसके बाद मेरे को आपको हिस्ट्री दिखा देने के बाद आपको प्रूफ तो मिल जाएगा ना। तो गाइस यहाँ पर तो वॉलेट के अंदर आ गए। उसके बाद यहाँ पर जो एरो बटन दिख रही है, एरो बटन पर टैप करो। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक फ्रेंड लॉगिन किया है, अभी नाव बोल रहा है, क्योंकि अभी अभी किया ना इसलिए नाव बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 3 रुपीज़ क्रेडिट कर देगा। इस तरह से आप लोग अनलिमिटेड पैसे यहाँ पर अर्न कर सकते हो ऐसे नंबर देकर। फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर फिर से आपको सेकंड स्पेस पर आ जाना। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर में डिलीट ऑप्शन दिख रहा है डिलीट कर देना। फिर से सेकंड स्पेस को डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर जो पहले वाला अपना जीमेल क्रिएट किया था ना, फिर से न्यू डिवाइस क्रिएट करने के बाद आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो पर उस नंबर को जो जीमेल अकाउंट देखा साइन अप किया था उस नंबर को दिखा रही, यहाँ पर आपको फिर से वही जीमेल को लॉगिन कर लेना न्यू डिवाइस के अंदर। तो गाइस इस तरह से आपको काम सक्सेसफुली बन जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में नहीं आ गया तो दोबारा से वीडियो को प्ले करें, उसके बाद वीडियो को देख लो। उसके बाद अपना ट्रिक्स अप्लाई हो जाता है तो वीडियो को एक लाइक कर दो। लाइक करने के बाद यहाँ पर न्यू अनलिमिटेड ट्रिक्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दो। तो फ्रेंड आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।